एक धर्म का स्वामी होते हुए, जिसको लोग पूजते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, तो आज ये साबित हो गया कि वो भगवान नहीं, हैवान है, वो शैतान है, वो दरिंदा है। सरकार ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕ ಕೇಳಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕ ಮಾಡದ? ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕ ಮಾಡದ? प्रदेश की सरकार है, वो निकम्मी सरकार है, पहले तो उसके ऊपर केस नहीं ले सकती है। ಅವನಿಗೆ 24 ಗಂಟೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। अरेस्ट मार अपनी गोद हाकिसबेकु। 14 साल की बच्ची सेफ नहीं है, 26 साल की बच्ची सेफ नहीं है। शर्म की बात तो ये है, 3-3 महीने की बच्ची इस देश में सुरक्षित नहीं है। आ मडवा गिद्दा गुरु ने मडवा हिंद निम्मंत हुडुगरिगे आकिरबारदु। ए नवन सुळे मग अवने मडे नवनु मडारि। अगर विक्टिम कोई हिंदू धर्म का होगा और अक्यूज कोई मुसलमान होगा और दलित होगा तो सारी पुलिस फोर्स आ जाती है उसके घर के सामने। ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಅದಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲಿ ಅಮ್ಮದ ಬ್ಯಾಡ ನ್ಯಾಯ। अरे क्यों नहीं महिलाओं को उनका हक दिया जाता? अगर वो खुलेआम अपनी इज्जत को बचाते हुए सड़कों पर नहीं निकल सकती तो इस देश की आजादी का कोई मतलब नहीं है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज शहर गुलबर्गा में रिपब्लिकन यूथ फेडरेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से एक प्रोटेस्ट अमल में आया। ये प्रोटेस्ट उस दरिंदे के खिलाफ है जो अपने आप को लिंगायतों का गुरु कहता है और छोटे छोटे बच्चियों पर सेक्सुअल हरासमेंट करता है, सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। उसके खिलाफ रेप के चार्जेस होते हैं, सेक्शन 370 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी को भेजा जाता है और वहाँ पर जा करके हार्ट अटैक का बहाना करके वो ICU में एडमिट होता है। ये बताता है कि ये जो प्रदेश की सरकार है वो निकम्मी सरकार है, पहले तो उसके ऊपर केस नहीं ले सकती है। चित्रदुर्गा का मैटर होता है, वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर केस नहीं लेता, वो विक्टिम्स को मैसूर जाना पड़ता है, मैसूर में जाने के बाद में केस होता है और उसके बाद भी अब तक इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये दर्शाता है कि ये जो कर्नाटका की सरकार है ये नाकाम सरकार है। और उससे बढ़कर भी अगर हम बात करें, ये सरकार को छोड़ते हुए भी अगर हम बात करें, तो इंसानियत की बात अगर हम करेंगे तो आज देश का माहौल क्या बन रहा है? 14 साल की बच्ची सेफ नहीं है, 26 साल की बच्ची सेफ नहीं है। शर्म की बात तो ये है, 3-3 महीने की बच्ची इस देश में सुरक्षित नहीं है। दरिंदगी की, हैवानियत की हद इतनी हो गई है, ये दरिंदे बच्चियों को भी नहीं देख रहे हैं कि वो 3 महीने की या 6 महीने की, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो 16 साल की या 26 साल की रेप कर रहे हैं। इसके ऊपर इस देश की सरकार कड़े कानून क्यों नहीं लाती? हम 2016 से लगातार वुमन सेफ्टी बिल की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा बिल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे क्यों नहीं महिलाओं को उनका हक दिया जाता? अगर वो खुलेआम अपनी इज्जत को बचाते हुए सड़कों पर नहीं निकल सकती तो इस देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। आप 75वीं साल की सालगिरह मनाते हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हो, लेकिन उस देश में महिलाएं अगर सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं तो आपकी आज़ादी को आप जेब में रख लो, ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। और स्कूल्स बनाए जाते हैं मठ के अंदर, वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाने के नाम पर बच्चियों का बलात्कार किया जाता है, तो ये शर्म की बात है। और ये कोई आम नागरिक नहीं कर रहा है, एक धर्म का स्वामी होते हुए, जिसको लोग पूजते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, तो आज ये साबित हो गया कि वो भगवान नहीं, हैवान है, वो शैतान है, वो दरिंदा है। उस दरिंदे के साथ अगर इंसानियत का सुलूक किया जाएगा तो इस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा डिमांड ये है कि उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई यही होगी कि अगर आप इंसाफ देना चाहते हैं तो उस दरिंदे को फांसी की सजा दो। एक मिसाल कायम करो कि अगर रेप कोई करेगा तो उसकी सजा सिर्फ फांसी है, ताकि वो दरिंदों की रूह कांप जाए, रेप करने से पहले 100 बार उनका दिल धड़कने पर मजबूर हो जाए, ऐसी सजा देनी चाहिए। आज राजनीति की जा रही है, विक्टिम कोई दलित समाज से है,
विक्टिम अगर मुसलमान समाज से है तो उस पर कार्रवाई स्लो की जाती है, अगर विक्टिम कोई हिंदू धर्म का होगा और अक्यूज कोई मुसलमान होगा और दलित होगा तो सारी पुलिस फोर्स आ जाती है उसके घर के सामने। आज ये नाइंसाफी क्यों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये सैंपल प्रोटेस्ट है। अगर 14 दिन के अंदर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यहाँ से लेकर के चित्रदुर्गा तक प्रोटेस्ट का एक सिलसिला जारी होगा और सड़कों को जाम करके अपना हक लेने का किस तरीके से संविधान ने हमको हक दिया है वो लेकर के बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज यहाँ गुलबर्ग के जगत सर्कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्टैचू के पास जो रिपब्लिकन यूथ फेडरेशन, प्रबुद्ध संघर्ष समिति और भारतीय विद्यार्थी संघ, दलित संघर्ष समिति और दूसरे सभी ऑर्गेनाइजेशन आज मिलजुल कर जो चित्रदुर्ग का जो मठ है मुर्गा मठ, वहाँ मठ का जो पीठाध्यक्ष जो शिवमूर्ति शरणर है, उन्होंने जो अपात बालकी जो माइनर बच्चों के साथ जो उन्होंने घिनौनी हरकत की, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट उन्होंने किया है जो उसका खंडन करते हैं। आज जो हमारे जो राज्य जो बड़ा मठ बोलते हैं उस मठ में जो बच्चों को जो हॉस्टल के अंदर रहने वाले बच्चों को जो रोज़ उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट जो लाइन लगा के दिन को दिन एक एक लड़की को उन्होंने ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है बोलकर वहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन है। जो ये केस होने के बाद जहाँ पर चित्रदुर्ग में जो लड़कियों के साथ जो हरकत हुआ, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वो केस होना था, वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट जो कंसर्ट पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने वो केस नहीं लिया क्योंकि मठ का उतना प्रभाव था, जो स्वामी जी का प्रभाव था, उन्होंने वो उनका केस नहीं लिया। जो उन्होंने मैसूर में जाकर जो वड़नाडी संस्था है जो बच्चों के बारे में, जो अनाथ बच्चों के बारे में जिसका साथ ऐसा हरकत होता है, उन्होंने वो संस्था वाले वड़नाडी संस्था वाले जो मैसूर में इसके बारे में जाकर वहाँ पर केस किया उन्होंने, उसके बाद ये बाहर आ गया ऐसा बच्चों के साथ जो मुर्गा मठ शिवमूर्ति शरण ने ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया बोलकर बाद में यहाँ के मीडिया और दूसरे लोग यहाँ का उसके बारे में उसके विरुद्ध में बात करना शुरू हुआ। आज हम खंडन करते हैं जो हमारा सरकार आज बच्चों के बारे में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, वहाँ ऊपर भी बीजेपी सरकार है या नीचे भी बीजेपी सरकार है, इन्होंने जो 8 दिन तक जो नाटक किया, जो स्वामी जी को बंधन करना था, जो फोक्सो जो केस है, जो फोक्सो केस होने के बाद इमीडिएट बंधन करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, जो स्वामी जी जो लिंगायत मठ का बड़ा स्वामी जी है बोलकर सरकार ने वहाँ का SP होंगे या वहाँ का DC और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ, उन्होंने जो 8 दिन तक इतना इसका विलम्ब किया, बहुत जो नाटक की तरह उन्होंने किया है। आज हम खंडन करते हैं जो सभी संघ वाले और अभी यहाँ के जमा हुए से वाले औरत जो बच्चों के साथ ऐसे हरकत होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करते हैं बोलकर जो उन्होंने किया है वो शर्मिंदा है। जो बच्चों के बारे में, जो औरत के बारे में जो सरकार बोलता है, उन्होंने उस तरफ वो बंधन करने के लिए इतना दिन लिया। जो भी है आज हम डिमांड करते हैं जो इसका इन्वेस्टिगेशन है पारदर्शक होना चाहिए, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसका साथ हैरेसमेंट हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो स्वामी जी को इसके कठिन सजा होना चाहिए, इसका आज हम डिमांड करते हैं। ना मकल शाली कली अंतेल दुड़ दुड़ दौड़ दौड़ ऊरी वैद हाते हाकद्र ऐनमार मकल शाली कलसा ऐन मकलिगन कट विचारद बंद्रे शरण हिंग हिंदे उल्दोर भक्तर हेमु नी शरण आगदी हेर शरण मुगुली भूमी ऐक नी ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೋ ತಪ್ಪಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಏಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದು ಅದು ಇದು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಬೇಡದು ಯಾಕೆ ಬೇಡದು ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಿಗೆ ಶಾಯ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಗರೀಬರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಲಾಗ್ಯಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಗರೀಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗರೀಬರು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ
ಯಾರೋ ಶರಣರೇ ಮುಂದಾಗಬೇಕು, ದೌಳರೇ ಮುಂದಾಗಬೇಕು, ಗರಿಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ನಾವು ದುಡಿದು ಏನೇನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರಾಗಿ ಇಂತಿಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮಠ ಕಟ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಟ್ತಾರೆ, ಕೋಟೆ ದಿಸೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗರಿಬರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಗರಿಬರಿಗೆ ಗರಿಬರು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅವು ಹಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎದುರಿಸಲೇಕ? ಈಗೇನೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು? ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇಳೋದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯದ? ಸರ್ಕಾರ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯದ? ಸರ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲೇನದ? ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೈತಿ? ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಕ್ವರಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಶರಣರು ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದರ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕರ್ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳು ಕಚ್ಚೋದು. ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವನಿಗೆ 24 ಗಂಟೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಯ್ದು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋತಾವ ಅಂತಂತಾರೆ. ಹೋಗಲಿಗೆ ನಾವು ಖುಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾಕ? ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ನರೀತದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಂಥ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿನೂ ಅದ, ಮಾಡೋಂಥ ಧೈರ್ಯನೂ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ 10 ಮಂದಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ಯದ, ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೂಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಚಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ಆ ಸೂಳೆ ಮಗನಿಗೆ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಸೂಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತದ, ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದ. ಆ ಮಠದಾಗಿದ್ದ ಗುರುನೇ ಮಾಡ್ದ, ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಕಿರಬಾರ್ದು. ಏ ಅವ್ನು ಸೂಳೆ ಮಗ, ಅವನೇ ಮಾಡ, ನಾವು ಮಾಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳು? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕೊಡಬೇಕು ನಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಎಲ್ತಾನೆ ಓದೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾನ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ನಾವು. ಹಾಂ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾ ಕೇಳತ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಾರ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಂಥವೇ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸ್ಸು ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಲತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ. ಆ ಹುಡುಗರು ಈ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಂ, ಆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಅಂಬದು ಬೇಡ ನ್ಯಾಯ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯರ್ಗಾಗ್ತದ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಚಂದ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಚಂದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮನೆ ಬರಬೇಕು, ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದೇಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳೋಣ ಒಯ್ದಲ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತದೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ. ಆ 4 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಿಗ್ತಾಳ? ಸಿಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳತ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದು ಒಳಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಲ್ತಾನ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ತಾನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೇಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಸರು ಭಾಗಮತ್ತ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್.